हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर रहता, बट जैसे जैसे ओवर कम हो रहे थे तो थोड़ा इरिटेटिंग था कि बार बार अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कितने ओवर का मैच होएगा आगे, तो प्लान करना डिफिकल्ट रहता है। आज जिस तरह की लय में आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि एक बड़ी पारी, और उससे आप मतलब किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा था। लास्ट मैच में भी जिस तरीके से मैं खेल रहा था तो मुझे लग रहा था कि लंबी पारी खेलने की कोशिश थी मेरी, और हमारी टीम मीटिंग में भी यही बात चल रही थी कि जो बैट्समैन सेट हैं अगर वो पूरा मैच ख़त्म करके आएँ या पूरा मैच खेल के आएँ तो काफ़ी इजी रहता है दूसरे जो बैट्समैन आ रहे हैं उनके लिए और टीम को बड़े स्कोर करने के लिए। सूर्या के साथ आपने थोड़ी देर बैटिंग की, जब वो बैटिंग दूसरे छोर पे रहते हैं तो किस तरह का, मतलब जैसे ऐसे फैंस एंजॉय करते हैं, आप साथ में बेस्ट सीट रहती है, आपकी क्या फीलिंग रहती है, किस तरह की बातचीत आपको बातचीत उनके साथ, कोई वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कोई बातचीत करने की कोई खास ज़रूरत रहती नहीं है वैसे तो, बट काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ बैटिंग करके। एक सवाल सुपर ये कह रहे थे अभी, जैसे आपने भी आपने हाल में इंटरव्यू कहा कि भाई हम लोगों का जो एक अप्रोच है कि ज्यादा जो सियासी से बाउंड्री हिटिंग डॉट बॉल को कम करेंगे, ये हमारी माइंडसेट इंडियन टीम का, लेकिन कई जगह क्या है मतलब इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट में चर्चा चल रही है कि नहीं, इंग्लैंड का टेम्पलेट पहली गेंद से ही चौके लगाओ छक्के लगाओ बड़े स्कोर करो, शायद वनडे क्रिकेट में भी आपको 400 टारगेट 450, ये माइंडसेट है आपको लगता है कि जो हमारी सबकॉन्टिनेंट टीम या पर्टिकुलर इंडियन टीम का अप्रोच है ये दिस इज द वे टू गो अराउंड? 400 450 पूरे साल में कोई एक दो मैच होते हैं जिनमें लगते हैं, ज़्यादातर अगर आप 300 के आसपास आप करते होते हो वो एक अच्छा मैच होने की ज़्यादा संभावना होती है। ऑब्वियसली कंडीशन आप चेस कर रहे हो या पहले बैटिंग कर रहे हो उस पर काफ़ी डिपेंड रहता है, बट हर मैच में 400 करना उतना आसान नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि इतना अगर कोई टीम हर मैच में 400 450 करने को देख रही है, इतना अचीवेबल नहीं है वो। आई थिंक दिस इज़ वन डिसीजन दैट हैज़ टू बी टेकन बाई यू नो द बोर्ड्स। एज अ प्लेयर ऑब्वियसली एंड एज फैंस इट्स वेरी इरीटेटिंग टू गो इन एंड आउट एंड हैविंग सो मैनी गेम्स बींग अफेक्टेड बाई रेन, बट आई डोंट नो हाउ आई कैन यू नो मेक अ डिफरेंस और टेक अ स्टैंड फॉर इट बिकॉज इट इज़ अ बिग डिसीजन। प्लेइंग इंडोर्स वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, बट यू नो ऑब्वियसली हैविंग रूफ्स और हैविंग or closed roofs would be good. And just with your personal ambition towards this World Cup that's coming up next year, what's your plans? How do you make sure that you get into that 15 for that World Cup? I am not looking actually that far. For me, the main intention or the main purpose right now is to be able to make the most of the opportunity that I get. And as far as this series is concerned, that's what I'm trying to do. I'm trying to make the most of the opportunity that I get and trying to score big for the team and make some big contributions for the team. ऐसे में जब आप एक एक सीरीज का हिस्सा नहीं है, अगले सीरीज में आते हैं और पता नहीं होता कि अगले सीरीज में आपको ब्रेक मिलेगा या जगह नहीं मिलेगी सीनियर, उस समय आप लोगों का ऐसे यंग प्लेयर क्या माइंडसेट रहता है? माइंडसेट एज अ यंग प्लेयर यही रहता है कि अगर इंडियन टीम में अगर ब्रेक दिया है या फिर पिक नहीं हुए हैं तो ये रहता है कि कोई ना कोई डोमेस्टिक हमारा इतना अच्छा चल रहा होता है, डोमेस्टिक सीजन चल रहा होता है, जैसे रणजी ट्रॉफी चल रहा होगा तो अगर वो नहीं खेलेंगे तो वहाँ पे कोई ना कुछ ऐसा नहीं है कि बंदा फ्री बैठा होता, बहुत कम होता है इंडियन प्लेयर कि एक दो हफ्ते या दो तीन हफ्ते बिल्कुल फ्री बैठा है कि कुछ नहीं कर रहा वो, तो आई थिंक अगर वहाँ पे ब्रेक मिल रही है तो अच्छा टाइम होता है वापस आके अपने ऊपर काम करने का और डोमेस्टिक में खेलने का। एक सवाल अभी मेरी ग्रैंड क्रिकेट के रिजल्ट के फॉरवर्ड बैट्समैन है उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों कौन से फ्यूचर बैट्समैन को देखते हैं इसके इंडियन टीम से ग्रेटनेस की तरफ, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के आपका नाम लिया, इससे पहले नहीं पहले खिलाड़ी नहीं फॉरवर्ड प्लेयर एक यंग खिलाड़ी आपके जैसा जो आप तीनों फॉर्मेट में खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ पर सीधे बात करें कि नहीं ये नेक्स्ट लीग का प्लेयर है, ये बातें क्या हौसला बढ़ाती है या पर प्रेशर बढ़ाती है लोगों के एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है?
दूसरों के पर्सनली मेरे लिए ऐसा है कि दूसरों के ओपिनियन चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं वो ना तो मेरी गेम को या फिर जब मैं एक बार अंदर जाता हूँ वो मुझे अफेक्ट नहीं करते हैं। तो जब एक बार आप बैटिंग करने जाते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में चाहे अच्छा बोल रहे हैं चाहे बुरा बोल रहे हैं, क्या इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि बॉल को मैंने कैसे खेलना और मैंने कहाँ पर रन बनाने हैं। तो मेरा ध्यान सारा उधर ही होता है और वो एक ऑटोमेटिक शिफ्ट है कि जब आप खेलने जाते हो वो आपका सारा ध्यान वहाँ से हटके कि मुझे इस कंडीशन में इस सिचुएशन में कैसे रन बनाने हैं उधर सारा फोकस रहता है। I have had some of my really good memories, especially in Christchurch. We played against Pakistan there, and then we went for India Air Tour as well in 2020. So I'm really looking forward for Christchurch. Hopefully, it doesn't rain there, and you'll get a good match there. Thank you.